उपात पद्म परमारभ्यतम नेत्रीला प्रवेशतम विष्णुपात अष्टतर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण वसी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्याकरण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्याकरण करता हूँ। ये हम लोग कल श्रवण किया था, क्या श्रवण किया था, क्या किया था बताओ, किस किसने श्रवण किया था? कि कृष्णदास, कृष्णदास मतलब जो हमारे लेखक है वो समझा रहे कि मायावादियों से, ये जो मगरमच्छ रूपी मायावादी है उनसे बचना कैसे है। तो वो बता रहे कि शिव कितने प्रकार के है, कि बोलते है ना ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब एक है, तो वो अलग अलग है, वो कैसे शिव तीन प्रकार के, ब्रह्मा दो प्रकार के, तो वो इस तरह से समझा रहे और बहुत कुछ था। अब कल पूछेंगे उर्वशी माता जी से आज क्या सुना था, फिर परसों इनसे पूछेंगे, फिर उर्वशी माता जी आएंगी। तो यहाँ पे आज गौरंग खेलता रहे, मायावाद का है पर मतवाद कहते हैं उसको, क्या कह रहे, अलग अलग मतवाद, मतवाद रूपी मगरमच्छ आदि उसमें मायावाद आ जाता है। फिर मतवाद एक एक मत है ना अलग अलग, तो उसमें बताया था ना कल कौन कौन सा मत बताया था, जैन, जैमिनी, कणाद, पतंजलि, गौतम, कणाद, कपिल, शंकराचार्य, दत्तात्रेय, कितना हो गया, बौद्ध, जैमिनी, जैन, बौद्ध, जैमिनी, पतंजलि, गौतम, कणाद, कपिल, शंकराचार्य, दत्तात्रेय, कितना है? नहीं समझे? तो ये इस प्रकार मतवाद, पर ये सब मायावादी है, ये सारे के सारे, पतंजलि भी मायावादी, गौतम भी मायावादी, कणाद भी मायावादी, कपिल भी मायावादी, शंकराचार्य भी मायावादी, दत्तात्रेय भी मायावादी। जो दत्तात्रेय के सिद्धांत है ना वही जैनी है, ये जैनी लोग दत्तात्रेय भगवान को मानता है, वो कहते हैं हम दत्तात्रेय से, है ना, नहीं दत्तात्रेय नहीं, वो उस क्या नाम, ऋषभ देव को मानते, ऋषभ गलत, ऋषभ देव को मानते। तो इसलिए ये सब लोग ये मतवाद है, क्या है, अलग अलग मतवाद, पर ये सब है मायावाद, मतवाद अलग अलग मायावाद मतवाद है, समझ में आया? तो इसलिए ये भी पंखे से बहुत तेज आवाज करता है, नहीं करता, तो इसलिए अलग अलग मतवाद है, ठीक है। ये सब कल श्रवण किया था, फिर सुना था जय दिया नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का, द्वैत आचार्य का सबका जय। अब बता रहे हैं यत अद्वैतम ब्रह्मो उपनिषदादि तदाप्ययस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सो यस्यांश विभव षट् ऐश्वर्य पूर्णयो यः भगवान् स स्वयं यम न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परमीह। क्या कह रहे हैं, उपनिषदों में जिनको अद्वैत ब्रह्म कहा जाता है, क्या कहते हैं उपनिषदों में जिनको अद्वैत ब्रह्म कहते हैं, वे मेरे प्रभु की अंग कांति है, वे मेरे प्रभु के कौन है, अंग कांति, जिनको योग शास्त्रों में अंतर्यामी पुरुष कहा गया है वे परमात्मा कहते हैं, योग शास्त्र के लोग क्या कहते हैं, परमात्मा, वे मेरे प्रभु की अंश स्वरूप है, मेरे प्रभु के कौन है, अंश स्वरूप है,
जिनको ब्रह्म परमात्मा का आश्रय एवं अंशी स्वरूप षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कहा जाता है, वे मेरे प्रभु, वे स्वयं भगवान हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य की अपेक्षा जगत में कोई और परतत्व नहीं है। क्या कह रहे हैं? न चैतन्यात् कृष्णात्, मतलब कृष्ण चैतन्यात् न जगति परतत्वम परमीह। जगत में और कोई परतत्व है ही नहीं भगवान चैतन्य के अतिरिक्त। एकमात्र भगवान चैतन्य ही समस्त जगत तो क्या, अखिल विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र भगवान के अतिरिक्त और कोई परतत्व नहीं है श्री कृष्ण चैतन्य के अतिरिक्त, ऐसे कह रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं अनुभाष्य टीका, क्या कह रहे हैं? उपनिषद में ब्रह्म विद्या नामक सर्व उत्तम विद्या विशेष, इसकी युत्पत्ति उप और नी उपसर्ग पूर्वक विश्लेषण शिथिल गति अवसाद विनाश अर्थपरक सदली धातु अंत में क्लिप प्रत्यय लगाने से हुई है। इस युत्पत्ति में उप शब्द का अर्थ है गुरु के निकट जाकर उनसे उपदेश प्राप्त करना। उप शब्द का मतलब है क्या है? उपनिषद है ना, निषेध मतलब निषेध, उप मतलब उपदेश ग्रहण करना, निषेध मतलब त्याग करना। समझ में आया? क्या समझ में आया? इसको उप निषेध है ना, तो इसको संधि करने से क्या होगा? उपनिषद नहीं होगा, संधि करने से उपनिषद होगा। तो उप के मतलब क्या है? गुरु के निकट जाके उपदेश ग्रहण करना, उपदेश प्राप्त करना। गुरु के निकट उपस्थित होने से ब्रह्म विद्या को निश्चय पूर्वक अर्थात निष्ठा पूर्वक जाना जाता है। कैसे जानेंगे? निष्ठा पूर्वक जानेंगे। दृष्टानु सविक दृष्ट अर्थात इंद्रियों के द्वारा गोचर तथा अनुश्राविक अर्थात अनुभव करने वाले जो इन दोनों प्रकार की विषय तृष्णा से वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं उसको उपनिषद उनके संसार जीव का सत विशेषण अर्थात उसे शिथिल कराने वाली अपसाद अर्थात विनाश करने वाली गति अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली ब्रह्म विद्या है जिसे अद्वैत ब्रह्म कहते हैं। वह भी श्री गौर कृष्ण की अप्राकृत देह की कांति है। उपनिषद में जो क्या कहा? उपनिषद में ब्रह्म को भगवान बताया, उपनिषद में ब्रह्म को परा सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब भगवान की अंग कांति है। वो क्या है? अंग कांति है। और उपनिषेध, निषेध का मतलब है सब कार्यों को निषेध, मतलब वैराग्य करना संसार से। वैराग्य के मतलब क्या? संसारिक वस्तु को त्यागना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इसी का अर्थ है उपनिषद। उप मतलब ग्रहण करना, निषेध मतलब त्याग करना। क्या ग्रहण करना है? वही क्या है? अनुकूल और प्रतिकूल। उसी को और आगे जाके क्या कहते हैं? अनुवय और व्यतिरेक। समझ में आया? अनुकूल और प्रतिकूल, अन्वय व्यतिरेक या उपनिषद मतलब ग्रहण करना और छोड़ना, त्यागना। समझ में आया? नहीं आया? तो इसलिए गुरु के
गुरु के निकट जाके जब हम उपदेश ग्रहण करेंगे तभी ना संसार छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। कल क्या बताया था, कृष्णदास कौन है? अभी वास्तविक में हम कृष्णदास है ही नहीं, बताया था ना, अभी हम वास्तविक में कृष्णदास नहीं है, बोल तो रहे हैं पर है ही नहीं। हम अपने आप को बोल दिया, जैसे नाम क्या है, मोहिनी देवी दासी, क्या दासी बन गई? अभी बनी पर बोल दिया, नहीं समझे? तो हम लोग अपने आप को बोल तो दे रहे हैं पर वास्तविक में अपने आप को दास या दासी मानते नहीं। क्या नहीं मानते? मानते नहीं, पर मानेंगे जिस दिन, उसी दिन वास्तविक में होगा। तो अभी हम किसके दास मान रहे हैं? माया का दास, संसार का दास। हाँ, तो हम अभी माया का दास है, बच्चों के दास है, नहीं है घर के दास है, ऐसा ये दास चल रहा है। तो अभी वास्तविक में हम लोग दास बने नहीं, क्योंकि जहां का दास होगा वो वहां के लिए करेगा ना, नहीं समझ में आया? अभी हम कहां के लिए करते हैं, तो इसलिए हम अभी पूरा दास। अच्छा, कहां फंस गए? छोड़ा कौन? तो कहने की तात्पर्य क्या है, तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब गुरु के निकट आकर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेंगे तब। अद्वै ब्रह्म कहते हैं, वह भी श्री गौर कृष्ण की अप्राकृत देह की कांति है, जो सब जीवों के नियंता परमात्मा है। वे उन ऐश्वर्य के एक अंश सर्वव्यापकता गुण से युक्त अंश विशेष है, जो परमात्मा योगी लोग मानते हैं। ब्रह्म किसको, ब्रह्म कौन मानते हैं? ज्ञानी, ज्ञानी लोग ब्रह्म को मानते हैं और योगी लोग परमात्मा को मानते हैं। तीन प्रकार के लोग होते हैं ना, ज्ञानी, योगी और भक्त, नहीं है? भक्त। तो तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? भक्त ही श्रेष्ठ है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी किसको मानेगा? ज्योति को मानता है। किसको मानता है? ज्योति, ब्रह्म ज्योति को ज्ञानी, वो जो कि भगवान के अंग कांति है। क्या है? भगवान के अंग कांति। और परमात्मा योगी लोग मानते हैं परमात्मा को, परमात्मा विष्णु। कौन सा परमात्मा? भगवान का सबसे छोटा जो रूप है उसको, भगवान के एकदम अंतिम स्वरूप है वो परमात्मा जो है। समझ में आया? उसके बाद दूसरा और कोई स्वरूप बना ही नहीं भगवान का। जैसे पहले कृष्ण, फिर कृष्ण से बलराम, फिर बलराम से कौन, शंकरषण, फिर प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, फिर उसके बाद तीन विष्णु, तीन विष्णु में कारण दक्षाई, गर्भ दक्षाई, क्षीर दक्षाई, क्षीर दक्षाई विष्णु सबसे लास्ट, उसके बाद कोई और भगवान का कला विशेष है ही। समझ में आया नहीं आया? तो एकदम अंश का अंश का अंश का अंश है बिल्कुल, क्षीर दक्षाई जो है एकदम छोटा वो है क्षीर दक्षाई विष्णु। समझ में आया? और वो ही योगी लोग उसी को परमात्मा कहते हैं। योगी लोग उसको क्या कहते हैं? परमात्मा, जो कि ऐश्वर्य के एक अंश, उस ऐश्वर्य के परमात्मा जो भगवान कृष्ण है, उस ऐश्वर्य के उनका एक अंश है, सर्वव्यापकता गुण से युक्त अंश विशेष है। इस तत्व विचार में छह प्रकार के ऐश्वर्य अर्थात समस्त वैभव, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य से
स्वयं परिपूर्ण किसी अन्य अपेक्षा ना रखते हुए वे यही श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान है। षडैश्वर्य से जो पूर्ण है वो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य भगवान। अर्थात इस जगत में तत्व विचार से अथवा कली काल में श्री चैतन्य से श्रेष्ठ अन्य कोई आश्रय नहीं है। इस जगत में महाप्रभु के अतिरिक्त कोई आश्रय है ही नहीं, यह अर्थ है। ज्ञान शास्त्रों का प्रयोजन ब्रह्म है, योग शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? परमात्मा। ज्ञान शास्त्र का प्रयोजन क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ज्योति। और योग शास्त्र का प्रयोजन क्या है? परमात्मा। वो सबसे छोटा भगवान विष्णु स्वरूप जो है, क्षीरोदाक्षायी विष्णु, चार हाथ है, परमात्मा है, ईश्वर है, उनको ईश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, जगत के नियंता भी कहते हैं उनको। ये भगवान का गौण नाम है। भगवान के भी तीन प्रकार का नाम है, गौण, मध्यम, उत्तम। उत्तम ब्रह्म परमात्मा भगवान। हाँ, ब्रह्म मायावादियों के लिए, परमात्मा क्या है योगियों के लिए, और भगवान भक्तों के लिए। गौण नाम, नाम बोला, नाम गौण नाम कौन कौन सा है? ईश्वर, परमात्मा, नहीं भगवान नहीं, ईश्वर, परमात्मा और जगत नियंता, जगदीश्वर, ये सब क्या है? गौण नाम है। जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ, जगन्नाथ मुख्य नामों में आता है, नहीं समझे? तो ये गौण नाम है। और ओ मध्यम नाम कौन कौन सा है? उसमें बताया नरसिंह, राम, नरसिंह और क्या, जो 10 अवतार जितने भी हैं भगवान के नाम है, 24 अवतारों में जितने भगवान का नाम है, ये सब मध्यम राम में आता है। और मुख्य नाम कौन कौन सा है? कृष्ण, चैतन्य, ये सब मुख्य नाम है भगवान का। गोपाल, गोविंद, गोपीनाथ, ये सब भगवान के मुख्य नाम है। राम नहीं है, नहीं समझे? राम नहीं, ये सब भगवान के मुख्य नाम है। तो ये सब जानना चाहिए, समझ में आया? ईश्वर बोलने से तुम्हारे विपत्ति में भगवान रक्षा नहीं करेगा, समझ में आया? अगर कोई ईश्वर बोलेगा, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, मेरी रक्षा करो, तुम्हारा करेगा, क्योंकि तुम पाप किया है, उसका फल तुम भोग रहा है, तो क्यों करेंगे तुम्हारी रक्षा? समझ में आया? ईश्वर तो दंड देते हैं अपराधी को, क्या करते हैं, उसको दया नहीं होता। आ रहा है समझ में? क्या समझ में आया? ईश्वर क्या करते हैं? दंड नायक होते हैं, वो जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल दे, समझ में आया? उसको दया नहीं आई, और मरोगे गिरोगे कोई दया नहीं आई, ईश्वर को दया नहीं आता। इसलिए गोपियां जब कृष्ण जब जा रहे थे तो गोपियां ऐसे कहा, क्या कहा? हे ईश्वर कहा, तुम्हारे अंदर जरा सा दया करुणा नहीं, जब जा रहे, क्योंकि ईश्वर में दया करुणा होता है, क्या नहीं होता? दया करुणा होता है, इसलिए तो सहन करते हैं। पर भगवान ऐसा नहीं करता, भगवान सहन नहीं करते, भगवान तो वो जाके बचा के आ जाते हैं। ऐसा जैसे द्रौपदी ने कहा, क्री एकदम आ गया, समझ में आया? वो बचा लेते हैं, भले ही से वहाँ भक्त की ही गलती क्यों ना, तब भी भगवान वहाँ बचाएंगे।
जिसकी गलती नहीं है उसको दो, उसका तो कहना ही क्या, समझ में आया? ऐसा है। अब जैसे जज में जब व्यक्ति बैठता है कार्यालय में, तो वहां पे कोर्ट में जज बैठते हैं, कोर्ट में जज बैठे हैं मान लो, और वहां पे उसके बेटा के लिए ही फैसला हो रहा है, तो उसको वहां दंड देना पड़ेगा ना, भले ही उसका बेटा भी क्यों ना, वहां दंड सुनाना ही पड़ेगा। अगर साबित हो जाएगा अपराधी है तो उसको दंड देना ही पड़ेगा, ना चाह के भी देना पड़ेगा ना। अब वही व्यक्ति, वही जज घर में आ गया और उसका बेटा पड़ोसी के सिर फोड़ दिया, और पड़ोसी ने उसके बेटा का सिर फोड़ दिया, तो उसका बाप जाके पड़ोसी के सिर फोड़ाएगा, नहीं फोड़ी आएगा, सबकी गलती बेटा का है, तब भी पड़ोसी से झगड़ा करके अपने बेटा को लेकर आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा? ऐसा ही भगवान, समझ में आया? ऐसे भगवान अपने भक्त वात्सल्य दिखाता है, भगवान में भक्त वात्सल्यता है, ईश्वर में भक्त वात्सल्यता नहीं है, अपने भक्त की गलती है, अल्लाह की गलती उसके अंदर भी उसी से, समझ में आया? जैसे राम, इतना लक्ष्मण जी राम जी के साथ रह के आगे पीछे रह के सेवा किया, पर अंतिम में थोड़ा सा क्या गलती हो गया, उनको दंड सुना दिया, मृत्यु दंड सुनाए, समझ में आ रहा है कि नहीं? राम जी ने क्या किया, मृत्यु दंड दे दिया, जबकि उनका खास भाई है, आजीवन राम जी के साथ छाया बन के रहा है, ये कोई बहुत बहुत बड़ी गलती तो थी नहीं जो मृत्यु दंड दिया जाए, तो इसलिए उनको मृत्यु दंड देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, सीता जी को परित्याग करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, पर क्या कृष्ण राधा रानी का परित्याग कर सकता है, सोच भी नहीं सकता ऐसा, कृष्ण तो मेरे से कोई गलती ना हो जाए ये सोच के ही कांपता है, कृष्ण क्या करता है, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, पैर रखने से कांपता है, कहीं इधर उधर रख दूं, इसलिए कहते हैं ना, राधे जहां पग धरो श्याम नैना धरो, राधा रानी जहां पग धरती हैं श्याम वहां नैना धरते हैं, नहीं तो श्याम तो आंख उठा के भी नहीं देखते, ऐसा है, समझ में आ रहा है? इतना डरते हैं कृष्ण राधा रानी, बहुत डरते, क्या समझ में आया? तो भगवान किससे डरता है? भगवान केवल और केवल भक्त से डरता, किसी से नहीं डरता, समझ में आया? यशोदा मैया के छड़ी देख के कृष्ण कांप रहा है थर थर करके, क्या राम जी को कभी कौशल्या मैया छड़ी दिखाया? नहीं दिखाया, इतना अधिकार नहीं है, तो इसलिए भगवान के अंदर भक्त वात्सल्यता अधिक है, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, केवल भगवान ही ऐसा करते हैं, समझ में आया? तो इसलिए षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव है, उनके अतिरिक्त जगत में कोई भी परतत्व नहीं है, ये प्रकाश हुआ। भगवत विग्रह की अंग कांति और अंश रूप दो प्रकाश मात्र है, वे संपूर्ण सविशेष शक्तिमान स्वयं वस्तु अर्थात भगवान नहीं है। अब यहां पे बताएं, भगवत विग्रह की अंग कांति और अंश रूप दो प्रकाश मात्र है, ये दोनों क्या है, प्रकाश मात्र है, ये संपूर्ण सविशेष शक्तिमान स्वयं वस्तु भगवान नहीं। भगवान की अंग कांति और उनका जो अंश रूप उसमें सविशेष शक्ति नहीं है, समझ में आया? सविशेष शक्ति मतलब क्या होता है,
संपूर्ण शक्ति उनमें है, पर आंशिक रूप में है। क्या है? आंशिक रूप में है, सविशेष शक्ति नहीं। इसलिए वो लोग चाह के भी वो दंड रोक नहीं सकते, देना ही पड़े ऐसा। पर भगवान के पास सविशेष शक्ति है ना, इसलिए वो रोक देते हैं। इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भावक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसी कही सह। गीता में भगवान ने कहा, मेरा भक्त कितना भी दुराचार परायण हो, अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरे अलावा किसी को जानता नहीं, ऐसे अगर भक्त चाहे कितना भी दुराचारी हो, फिर भी उसको भक्त मानो, साधु मानो, नहीं तो तुम्हारा अपराध होगा, उसके दोष देखोगे। ऐसा गीता में भगवान ने कहा। तो गीता में कौन है? भगवान। भक्त वात्सल्यता दिखाया, पर ईश्वर ऐसा नहीं कह सकता, अधिकार नहीं है ईश्वर का ऐसा कहना। समझ में आया? जबकि ईश्वर भगवान है, दोनों एक ही चीज है, पर भाव अलग अलग। पर यहाँ पे भाव अलग अलग होने से ऐसा कह रहे हैं, सभी से शक्ति ईश्वर के अंदर नहीं होता। जैसे जज्जे का और उसके बेटे का, हाँ, उदाहरण दिया ना ऐसा, क्योंकि अंग कांति और अंश रूप, क्या अंश रूप, दो प्रकाश मात्र, ये दोनों ही प्रकाश मात्र है भगवान के, प्रकाश प्रकाश मात्र है, अंश अंग कांति और अंश रूप भी प्रकाश मात्र है। वे संपूर्ण सविशेष शक्तिमान स्वयं वस्तु भगवान नहीं है, वे संपूर्ण शक्तिमान स्वयं वस्तु भगवान नहीं। स्वयं वस्तु तो केवल कृष्ण है। कौन है? कृष्ण या चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, ये दो नहीं है, ये एक ही है। चाहे कृष्ण को बोलो, चाहे चैतन्य महाप्रभु को बोलो, दो नहीं है, एक है। तो इसलिए वही सविशेष परतत्व भगवान, यहां तक कि कृष्ण से भी ज्यादा भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंदर वात्सल्यता है, कृष्ण से भी ज्यादा। समझ में आया? जितना कृष्ण दया नहीं करेगा, उससे ज्यादा दया भगवान चैतन्य महाप्रभु करते हैं। इसलिए कृष्ण के धाम में जाने से तो अपराध बनता है, पर महाप्रभु के धाम में जाने से अपराध क्षय हो जाता है। समझ में आया? अपराध नष्ट हो जाता है, और महाप्रभु के धाम में रहने से जन्म जन्मांतर की अपराध नष्ट हो जाता है, पर कृष्ण के धाम में रहने से अपराध नष्ट नहीं होता। और अपराध करेगा तो बन जाता है दुगुना दुगुना, ऐसा हो जाता है कृष्ण के धाम। तो इसलिए महाप्रभु जैसे उदार है, उनका धाम भी ऐसा। यद्यपि कृष्ण भी दयालु है, पर महाप्रभु की जैसा दयालु नहीं है कृष्ण, महाप्रभु के जैसा नहीं। इसलिए कृष्ण से भी एक कदम आगे है महाप्रभु से भी एक कदम आगे कौन? नित्यानंद प्रभु। समझ में आया? तो इसलिए कृष्ण महाप्रभु के, महाप्रभु आगे क्यों है? क्योंकि महाप्रभु के अंदर राधा रानी है ना, महाप्रभु के अंदर कृष्ण तो है ही है, और कृष्ण के अंदर फिर राधा रानी है, इसीलिए महाप्रभु ज्यादा बदान्य है, दयालु है, करुणामय है, इसलिए। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, एकमात्र श्री कृष्ण चैतन्य के अलावा जगत में और कोई परतत्व नहीं है। इस श्लोक के साथ श्री जीव गोस्वामी पादकृत तत्व संदर्भ में व्याख्या 8 में प्रदत्त श्लोक ना विचारणीय है। इसमें तत्व संदर्भ के श्लोक 8 नंबर में ऐसा विचारणीय है। जिनकी चिन्ह मात्र सत्ता को वेद किसी किसी स्थान पर ब्रह्म नाम से वर्णन करते हैं, जिनके एक अंश
माया नियंता पुरुष अपने अंश लीला अवतार और गुणावतार रूपों में वैभव प्रकाश करते हैं और जिनके एक रूप श्री नारायण नाम से परव्योम में विलास करते हैं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों का भजन करने वाले भक्तों को प्रेम प्रदान करते हैं। क्या कह रहे हैं? जिनको वेद में प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म नाम से कहीं कहीं वर्णन किया, जिनके एक अंश माया नियंता पुरुष अपने अंश लीला अवतार और गुणावतार रूपों में वैभव प्रकाश करते हैं और जिनके एक रूप श्री नारायण नाम से परव्योम में विलास करते हैं। परव्योम में विलास मतलब वैकुंठ में जो विलास करते हैं, है ना, जो वैकुंठ में विलास करते हैं, परव्योम वैकुंठ धाम, समझ में आया? नारायण नाम से परव्योम में विलास करते हैं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनका, किनका है जो नारायण नाम से परव्योम में विलास करते हैं, किनका है? कृष्ण का वैभव प्रकाश। कृष्ण का क्या है? नारायण नाम से जो परव्योम में विलास करते हैं वो कौन है? कृष्ण का वैभव प्रकाश। और जो पुरुष अपने अंश लीला अवतार और गुणा अवतार रूपों में वैभव प्रकाश करते हैं और जिनके एक रूप नारायण नाम से परव्योम में विलास करते हैं, वैभव प्रकाश करते हैं, किसके रूप में? माया नियंता पुरुष अपने अंश लीला अवतार और गुणा अवतार रूप में वैभव प्रकाश करते हैं। कौन करता है? कृष्ण करता है। एक रूप में गुणा अवतार लीला अवतार प्रकाश करते हैं एक रूप में, और दूसरे रूप में, एक रूप में नारायण नाम से परब्रह्म में विलास करते हैं, परब्रह्म में भी रहते हैं, परब्रह्म वैकुंठ इत्यादि में रहते हैं, है ना। वही भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों का भजन करने वालों को प्रेम प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? किसको करते हैं? जो कृष्ण के भजन करने वाले हो, और किसी को नहीं। कृष्ण या महाप्रभु के जो भजन करने वाले हैं उन्हीं को प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए राम जी ने भी प्रेम देना चाहा पर प्रेम दे नहीं सके, मारना पड़ा ताड़का को, दे नहीं पाए प्रेम, नहीं समझे। ताड़का को बहुत समझाया था राम जी ने, प्रेम देने की बहुत इच्छा किया था, इसको प्रेम देके मुक्ति कर दे, पर लिया ही नहीं, ले ही नहीं, पर मारना पड़ा। तो इसलिए प्रेम कौन देंगे? केवल कृष्ण ही देंगे। सच्चिदानंद भगवान के सर्वदा आनंद प्रद दर्शन से वंचित रहकर जो उन चिन्मय लीला युक्त तत्व वस्तु की केवल सम्यक्त संबित वृत्ति का अवलंबन करते हैं उन्हें ब्रह्म का ही दर्शन होता है। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद भगवान के सर्वदा आनंद प्रद पद दर्शन से वंचित रहकर जो उन चिन्मय लीलायुक्त तत्व वस्तु के केवल संबित वृत्ति का अवलंबन करते हैं उन्हें ब्रह्म का ही दर्शन होता है। संबित वृत्ति का अवलंबन मतलब ज्ञान का अवलंबन करता है। क्या है? केवल ज्ञान का जो अवलंबन करता है उसको क्या मिलता है? केवल ब्रह्म दर्शन होता है। और जो केवल उनकी सत चित्त वृत्ति का अवलंबन करते हैं वे परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। जो लोग सत और चित्त का अवलंबन करते हैं, जो केवल संबित का अवलंबन करते हैं वो क्या करते हैं?
ब्रह्म दर्शन करते हैं, और जो सतर चित्त का अवलंबन करते हैं वो क्या करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। सत्य चित्त है ना, तो सत मतलब सत्ता दिखाई देने वाला, चित्त मतलब ज्ञान अनुभव करने वाला, संबित उसको भी कहते हैं, चित्त को संबित भी कहते हैं। समझ में आया? सतर चित्त को, सत मतलब दिखाने वाला, अचित मतलब अनुभव करने वाला, तो चित मतलब चित को संबित शक्ति भी कहा जाता है। तो जो लोग सत चित का वृत्ति का अवलंबन करते हैं वे परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए सचितानंद लीला विग्रह भगवान की चिन्मय अंग अंग की ज्योति की ज्योति ही चिद विलास हीन निराकार माया रहित ब्रह्म और उनके ऐश्वर्य की अंश विभूति ही परमात्मा है, उनसे अंश विभूति ही परमात्मा है। ये कौन है? जो विलास हीन निराकार माया रहित ब्रह्म है, विलासहीन निराकार, निराकार है ना, जो रोशनी है ना, रोशनी को आकार में बांधा नहीं जा सकता, आकार में बांधा जा सकता, रोशनी फैलता ही जाता है ना, इसलिए उसको निराकार, रोशनी का कोई आकार बनता नहीं है, बनता है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। समझ में आया? तो इसलिए विलासहीन निराकार पर माया रहित है, ये निराकार भी कैसे है, माया रहित है, इसलिए इसको ब्रह्म और उनके ऐश्वर्य की अंश, उस परब्रह्म केवल ब्रह्म है और परब्रह्म कौन है, कृष्ण है, तो उनके उनके ऐश्वर्य की अंश विभूति ही परमात्मा है, उनका ऐश्वर्य का अंश विभूति ही परमात्मा है। परम संबंध निर्णय में अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण और उनकी उनकी ही औदार्य मूर्ति श्री चैतन्य निर्णीत हुई है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ब्रह्म परमात्मा और किंबा भगवान के अन्य किसी भी अवतार में समस्त रसों का एकत्र युगपत परमावेश नहीं देखा जाता। समझ में आया? श्री चैतन्य देव और श्री कृष्ण एक ही अभिन्न वस्तु है और वे ही परम परतत्व है। इस जगत में आरोह अथवा अवरोधो अधिरोध अधिरोह पथ में क्रम से श्रेष्ठता के विचार से ब्रह्म परमात्मा और भगवान की अनुभृत्ति अनुभूति का पार्थक्य लक्षित होता है। वैरंगा शक्ति के रहित विचार से अर्थात नेति नेति विचार से ब्रह्म तटस्थ शक्ति के सहित विचार से अर्थात जीवों के अंतर्यामी विचार से परमात्मा और अंतरंगा अथवा स्वरूप शक्ति के रहित विचार से वैकुंठ आदि विग्रह अधोक्षज भगवान का ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं? ये सब चीज से जो अंतरंगा बहिरंगा तथस्ता बताया था ना पहले, ये सब चीज से किसका बोध होता है? भगवान का बोध होता है। कौन से भगवान? भगवान कृष्ण चैतन्य का बोध होता है। ब्रह्म में परब्रह्म का क्लीवतत्व क्लीप्त्व और निर्विशेष भाव मात्र प्रकाशित है। केवल क्लीव अथवा स्त्री शक्ति ही
उपासना से मानवता का परम विकास और आकांक्षा परितृप्त नहीं होती। जहाँ अप्राकृत पुरुष और अप्राकृत प्रकृति एक साथ, अर्थात जहाँ चिद लीला युगल सेवा है, वही मानव का धर्म पूर्ण है। क्लीवत्व ब्रह्म साधुज्य लाभ को मानव का परम धर्म ना कहकर इसे चेतना की बंधन योग्य वृत्ति अथवा चेतना की आत्महत्या का अपराध आराध्य धर्म कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? जो क्लीप्त्व मतलब एकत्व मतलब समझते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, साधुज्य मुक्ति। उस साधुज्य मुक्ति से जीव का वास्तविक कल्याण नहीं होगा, बल्कि जीव का आत्महत्या हो जाता है। क्या हो जाता है? जीव का आत्महत्या हो जाता है। जैसे गुड़ में अगर चींटी चिपक जाए तो गुड़ क्या, चींटी का अस्तित्व रहेगा है? उसी प्रकार जो लोग कहते हैं भगवान में मिल जाएंगे, क्या होगा? बहुत लोग कहते हैं ना भगवान में मिल जाएंगे, यही मायावाद विचार है। समझ में आया? भगवान में कभी कोई जीव मिल नहीं सकता, सबसे बड़ी बात। तो फिर बोलेंगे भागवत में शिशुपाल भगवान के मुख में घुस गया, वो कैसे हुआ? बोल राधा रमण हरि की जय। तो शिशुपाल जो भगवान के मुंह पे घुसा तो विलीन नहीं हुआ, वो भगवान के मुख का आश्रय करके भगवान के लोक को चले गए, ऐसा है। समझ में आया? क्योंकि भगवान के संपूर्ण शरीर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है ना, नहीं समझ में आया? भगवान के अंदर अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भी है और अपना लोक भी है, भगवान के अंदर ही है ना। तो इसलिए भगवान के अंदर का आश्रय लेके वो कहां चले गए? वैकुंठ चले गए। समझ में आया? वो विलीन नहीं हुआ। विलीन का मतलब क्या होता है? जैसे उसमें मिल जाना, क्या होता है? मिल जाना। पर कोई भी चीज किसी में भी नहीं मिलता, हर चीज का एक अलग रूप है, रंग है, और उसका क्वांटिटी भी बढ़ता है, घटता नहीं। देखो 1 किलो दूध मिला दे तो क्या दूध दूध में मिल जाएगा? पहले भी बोला था, ध्यान है नहीं है, भूल गए है? बताओ, दूध दूध में मिल गया? कैसे नहीं मिला बताओ? क्वांटिटी बढ़ गई। हाँ, क्वांटिटी है, दुगुना हो गया। पर हर दूध का सेल्स अलग अलग है, वो नहीं मिलता, आपस में मिल जाता है क्या? भैंस के दूध और गाय के दूध, दोनों दूध अगर हम मिला दे तो क्या दोनों दूध के सेल्स मिल जाएंगे आपस में? नहीं मिलेंगे, अलग अलग रहे। तब समझ में आया? नहीं आया? पानी भी ऐसा ही है। तो कोई किसी चीज में मिलता नहीं है। जब साधारण जगत में साधारण चीज जब मिल नहीं रहा है तो भगवान में कैसे विलीन हो जाएगा? मतलब असंभव है। और जो ऐसा विलीन होने की चेष्टा करते हैं वो क्या है? वो वास्तविक में आत्महत्या कर रहा है। क्या कर रहा है? वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ब्रह्म में विलीन तो होता नहीं। ब्रह्म ज्योति बोल के एक स्थान है, परब्रह्म में ब्रह्म ज्योति एक बोल के एक स्थान है, जहां तक भगवान की अंगकांति आती है, वो एक जगह है। क्या है? इस जगह है। वो कहाँ है? इस जगत से परे है, वो माया जगत नहीं है। वो क्या है? माया जगत नहीं।
इस ब्रह्मांड से मतलब ब्रह्मलोक है ना, ब्रह्मलोक के बाद कारण जल है, कारण जल के ऊपर है ब्रह्मलोक, वही ब्रह्म लोक मतलब भगवान के जहाँ अंग कांति आती है, समझ में आया, उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। एक होता है सप्त लोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, वो सप्त लोक है, वो ब्रह्मलोक नहीं है। उसके ऊपर है, सप्त लोक के ऊपर है कारण जल, जहाँ कारण दक्षाई विष्णु शयन करता है, उसके भी ऊपर है ब्रह्मलोक, समझ में आया। वहां तक भगवान के अंग कांति आती है, क्या होता है भगवान का, तो भगवान के अंग कांति वहां प्रकाश होता है। जो असुर मरता है ना भगवान के हाथों से, कहते हैं ना मुक्त हो गया, वो असुर उसी ब्रह्मलोक में जाता है, और वहां जाकर के एक पत्थर के जैसे पड़ा रहता है। कैसे, जैसे मान लो वहां जाके कोई पर्वत बन गया या पत्थर हो गया, उसका चेतना लुप्त तो हो जाता है, क्या होता है, जैसे किसी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो और फेंक दो, अब वो जिंदा है या मरा हुआ है, सुख है कि दुख है, उसको क्या पता चलेगा, चलेगा। ऐसी चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा चीज मिलेगा, समझ में आया। जो साधुज्य मुक्ति है ना वही चीज है, जो लोग इस जगत में साधुज्य मुक्ति साधना करके, ज्ञान साधना करके, ब्रह्म साधना करके साधुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, वहां जाके पत्थर की भांति पड़ा रहते अनंत काल तक, ना उसको होश है ना कुछ है, कुछ बेहोश होके वहां पड़ा रहता है। अब देखो वो माया जगत भी नहीं है, किसी से फंस भी नहीं रहा है, पर जिंदा भी नहीं है, समझ में आया पर जिंदा भी नहीं, क्या समझ में आया। तो वहां पे ऐसी, तो असुर भी जो भगवान के हाथ से मरता है ना, वो असुर सब वहीं जाता है मुक्ति पाके। इसलिए तो कहा मायावाद को आसुरिक धर्म है, जो भगवान को निराकार मानता है वो आसुरिक धर्म है। इसलिए असुर भी जहां जाते हैं, मायावाद भी निराकार व्यक्ति भी वहीं जाता है, एक ही स्थान है, समझ में आया। इसलिए वहीं जाके पत्थर के जैसे पड़ा रहेगा अनंत काल तक, फिर कभी भगवान की फिर कृपा होगी तब फिर उसके बाद यहाँ पे धरती लोक में आएगा, जन्म लेगा, उसके बाद फिर वैष्णव संग मिलेगा, तब जाके उद्धार, उसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। और वहाँ पे रहने के लिए बहुत काल बीत जाता है, अनंत काल तक वहाँ पड़ा ही रहता है, और एक बार चले जाने से वापस नहीं आता, बहुत मुश्किल है वहाँ से वापस आना, और निर्जीव होके वहाँ पड़ा है। साधना करके लोग ऐसा प्राप्त करते, और उसमें भी कोई कोई भगवान के चरण का अनादर कर देता है ना, भागवत में लिखा है पुनः पतन्ति, वो नरक भी जाता है। अगर कोई कोई भगवान के चरण को बिल्कुल अनादर कर देता है ना, वो नरक भी चला जाता है। इतना ऊपर जा करके भी ब्रह्म भूत प्रसन्त आत्मा न सोचती न कांक्षती, उनके अंदर ब्रह्म भूत अवस्था आ जाता है इस जगत में ही, ना सोचने की मतलब ना कांक्षा रहता है, ना खोने की रहता है, ना पाने की इच्छा रहता है, कुछ नहीं रहता। साधना करते करते ऐसा हो जाता है उनका, ऐसा इतना ऊपर जाने पर भी उस समय भगवान के चरण की अनादर कर देता है, भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ए कृष्ण का नहीं है, उसके चरण नहीं, कुछ नहीं, तो फिर क्या होता है, पुनः पतन्ति, उतना ऊपर जाके भी फिर नरक आ जाता है। चांस तो बहुत कम रहता है उधर भी जाना उनके लिए, सब लोगों का साधन से मुक्ति नहीं होता है। उसको तो जी फिर वो वहां ब्रह्म ज्योति में जाने, मतलब जो जा रहे हैं फिर क्या फायदा, मतलब वहां जाने का कोई फायदा ना है, जब वे मर जाए वहां जाने का कुछ फायदा ना है, पर नरक लोक से तो दोबारा आ सके ना पृथ्वी पे, फिर भजन कर सके दोबारा। हां तो नरक ठीक है उससे, तो नरक तो ठीक है उससे, उससे तो नरक ही ठीक है। मेहनत ना रख जाने के लिए कर रहे हो।
उससे तो नरक ही ठीक है, नरक जाके दोबारा वापस आ गया, पर वहाँ एक बार फंस जाने से वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं निकल पाते। वो भगवान के कभी किसी समय कभी दया आएगा, तब भगवान को दया आती भी नहीं ना ऐसे लोगों के प्रति, बात तो यही है, तब जाके फिर कभी जन्म लेगा फिर यहाँ आएगा तब, नहीं तो वो वहाँ से वापस ही नहीं आता, मुश्किल ही आता है। एक बार ब्रह्म ज्योति में फंस जाने से दोबारा वापस नहीं आता, वहाँ ही मरा रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं वो क्या है, आत्महत्या, आराध्य धर्म कहा जा सकता है। ब्रह्म जीव में चेतनता के गुण का साम्य है, इसीलिए श्रुति में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म समजातीय ना होने पर उपासना सुष्ट रूप में नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं, अगर आत्मा भगवान जैसा नहीं होगा तो भगवान की आराधना भी नहीं कर सकता, इसलिए शास्त्रों में मतलब वेदों में अहम ब्रह्मास्मि कहा ना, मैं ब्रह्म हूं, मतलब मैं भगवान के जैसा हूं, समझ में आ रहा है। अहम ब्रह्मास्मि के मतलब क्या है, पर भगवान नहीं, समझ में आया, क्योंकि हम उसके जाति विशेष हैं। अब जैसे एक पिता है और एक बेटा है, बेटा भी मनुष्य है, पिता भी मनुष्य है, जाति से एक है, समझ में आया। बेटा क्या है, मनुष्य है, और पिता भी मनुष्य, पर बाप बेटा दोनों अलग है, समझ में आया। सदस्य है, हाँ ऐसा, समझ में आया क्या आया, कि वो अलग अलग है, भगवान नहीं है। हाँ, पर मनुष्य है दोनों, हम बकरी के बच्चे नहीं है, हम किसके हैं, मनुष्य के बच्चे हैं, तो हमारा भी दो हाथ है, दो नाक है, दो कान है, दो पैर है, बिल्कुल बाप के जैसा ही है, पर बाप नहीं है। जैसे ये निराकारवादी बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, हाँ। और भगवान का आकार है, जैसे हमारा आकार है ऐसे ही भगवान का, हाँ समझ में आया। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि के मतलब ब्रह्म समजातीय नहीं होने से ब्रह्म की आराधना भी नहीं किया जा सकता, समझ में आया नहीं आया। ब्रह्म समजातीय नहीं होने से ब्रह्म की आराधना भी नहीं किया जा सकता, मतलब कृष्ण की आराधना करने के लिए चेतना भी होनी चाहिए ना, तभी तो कृष्ण की आराधना करेगा, जड़ वस्तु के कृष्ण की आराधना कर पाएगा। जीवात्मा चेतन है, क्या है, चेतन है, और कृष्ण भी चेतन है, तो ब्रह्म समजातीय हो गया ना, कृष्ण और जीव दोनों चेतन है, क्या है, चेतन है, अज है, अमर है, शाश्वत है, मरेगा नहीं, हमेशा रहेगा, ऐसा है ना, और कृष्ण भी ऐसा ही है, क्योंकि ब्रह्म की आराधना करने के लिए ब्रह्म समजातीय भी होना चाहिए। प्रेम किससे होगा, जैसे इंसान इंसान से प्रेम करेगा, कुत्ता बिल्ली से थोड़ी करेगा। अगर किसी इंसान की विवाह कुत्ता से कुतिया से करा दिया जाए तो वो क्या सुखी रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो उसी जातीय से उसका प्रेम संबंध बनेगा, नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार जीव की प्रेम किससे होगा, कृष्ण से हो सकता, अन्यथा किसी से होगा ही नहीं,
तो इसलिए आराधना वो कृष्ण का ही कर सकता है, किसी का करेगा। इसलिए जीव के अंदर सम जातीय चीज होने से तभी तो कृष्ण से प्रेम करेगा, या कृष्ण उल्टा फिर उसको करेगा। जीव होगा अलग विजातीय चीज और कृष्ण होगा अलग, तो कृष्ण का प्रेम जीव के प्रति कैसे होगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कृष्ण का प्रेम फिर जीव के प्रति होगा नहीं, और जीव का भी कृष्ण के प्रति होगा ही नहीं। दोनों समान समान होगा तभी ना होगा प्रेम, एक जाति का होने से ही होगा। समझ में आ रहा है? तो एक जाति का होने से तब जाके जीव और कृष्ण से प्रेम होगा। तो जीव कृष्ण क्या है? एक जाति का है। क्या है? एक जाति, एक जाति मतलब समझते हो, मतलब एक जैसा। क्या समझ में आया? एक जाति का एक जैसा, एक जैसा। तो जीव और कृष्ण एक जैसा है, इसलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि। पर ये लोग गलती कर जाते, सोचते अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। समझ में आया? तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं कृष्ण जैसा हूं, जैसे धात्री उच्चताम ततोन्याम, ऐसा कहा ना, धात्री के जैसा गति प्रदान किया उतना का। तो इसका मतलब वो क्या, जसोदा मैया बन गई ना, माँ के समान, माँ के समान बनी है। जसोदा मैया नहीं बनी, माँ के समान धात्री उच्चताम, जैसे दाई माँ, दाई माँ भी तो होती है, माँ होते ना दाई माँ, वो बनी है पुतना। और जसोदा मैया जैसे माँ नहीं बनी। समझ में आया? भगवान ने कितनी अच्छी गति दी जहर देने वाले को। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण समजातीय जीव है। जीव क्या है? एक समान, कृष्ण समजातीय। इसलिए जीव भी अहम ब्रह्मास्मि पदवाच्य हो सकता है। क्या है? जीव भी अहम ब्रह्मास्मि पदवाच्य हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो जीव अहम ब्रह्मास्मि के मतलब क्या, मैं ब्रह्म जैसा हूं, जैसा ब्रह्म है ऐसा मैं भी हूं, उसके जैसा ही हूं, शाश्वत हूं, अज हूं, चिन्मय हूं, मर नहीं सकता। उसमें है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चले क्ले दयम त्यापन शोषयति मारुतः। मैं मर नहीं सकता, आत्मा कभी मरती नहीं, अज है, अमर है, शाश्वत है। तो इसलिए कृष्ण भी है, इसलिए मैं कृष्ण जैसा हूं पर कृष्ण नहीं। समझ में आया? तो ये मतलब है अहम ब्रह्मास्मि। मंत्र का तात्पर्य यह है कि समजातीय ना होने पर उपासना सुष्ठु रूप से नहीं हो सकती। उपासना मतलब प्रेम समान रूप से नहीं होगी, अगर समान जाति का नहीं होगा तो। समझ में आया? स्मृति शास्त्रों में देखा जाता है ना देवो देव मर्चयेत, अर्थात जो देवता नहीं है, अर्थात जिनमें देवताओं के समान गुण नहीं है, वे देवताओं की अर्चना नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। इसलिए मानव के परम धर्म में भी परम मानव ही उपास्य है। वे गूढ़म ब्रह्मम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, वे ही भगवान गूढ़ और कपट मानुषः, वे ही अन्य श्रुति मंत्र से मंत्र के रसो वही सह अर्थात रस स्वरूप है। क्लीवत्व में कभी भी रस नहीं है, पुरुषोत्तम में ही रस है, और वह प्राकृत रस नहीं अप्राकृत रस परम रस है, जिसके विषय में गीता में कहा गया। क्या कहा गया? रस वर्जम रसो रसोपस्य परम दृष्ट्वा
निर्वर्तते, गीता में कहा कि परम रस प्राप्त करके क्षुद्र प्राकृत रस समूह विलुप्त हो जाते हैं। परम रस क्या है? भगवान का रस। क्षुद्र रस क्या है? संसार का क्षुद्र रस है। रस मतलब कि आनंद, सुख। ये संसार का जो सुख है ये क्या है? क्या है? क्षुद्र है, अति क्षुद्र सुख। और भगवत सुख कैसा है? बृहद है। तो इसलिए जीव जब परम रस को प्राप्त करता है तो क्षुद्र रस अपने आप छूट जाता है। तो परम रस किसके पास है? केवल कृष्ण के पास है, अन्यथा किसी के पास नहीं है। वे परम रस स्वरूप भगवत वस्तु का आंशिक प्रकाश है, वे ही अंतर्यामी तत्व मात्र है। व्यष्टि अथवा समष्टि अंतर्यामी के मध्य मानवता के चरम विकास सभी आकांक्षाएं तृप्त नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं? मानवता के चरम विकास की सभी आकांक्षाएं तृप्त नहीं हो सकती है? तो यहां पे बताया था ना, देवता की पूजा करने के लिए देवता होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? देवता जैसे गुण होना चाहिए ना, तभी देवता का पूजा कौन करते? जो देवता जैसे स्वभाव वाले मनुष्य होगा, भाई सब लोग तो पूजा पाठ नहीं करता। अब जैसा जिसके स्वभाव असुर जैसा है वो देवता का मुंह देखेगा? कभी नहीं देखेगा। देखेगा? नहीं देखेगा। तो देवता जैसा स्वभाव मतलब सद्गुणी स्वभाव होगा तभी वो देवता का पूजा कर पाएगा। तो उसी ही प्रकार भगवान की आराधना करने के लिए भगवतीय समजातीय होना पड़ेगा, तब जाके भगवान की आराधना कर सकते हैं। इसलिए वेद में तत्व असि ब्रह्मास्मि ये सब कहा। क्या कहा? तत्व असि ब्रह्मास्मि कहा। पर जो लोग समझता नहीं वो लोग ऐसे समझ लेता है। समझ में आया? तुम भी वही हो। तो ऐसा तुम भी वही हो मतलब क्या है? तुम उनके हो, तुम भी वही। समझ में आया? मायावादी लोग समझते हैं कि हम भी भगवान हैं, हम भी, हम भगवान, हम भी भगवान, हम भगवान। और गुरु जी जो मतलब कि देवता वो होते हैं ना पत्थर वाले, हाँ, जो मतलब भूतलों में रखे रहते हैं, वो किस कैटेगरी के होते हैं? वो तो भूत प्रेत थे, भूत पितृलोक, मतलब पितृलोक में भूत। गुरु जी उनकी पूजा करने हमें करनी चाहिए ना? किसी की नहीं करनी चाहिए, हम लोग किसी के नहीं करेंगे। नहीं समझे? अगर करेंगे तो कनिष्ठ अधिकारी से भी गिर जाएंगे, कनिष्ठ अधिकारी का भक्त भी नहीं कहलाएंगे। और गुरुजी अगर जो नाटक करना पड़े जिसके मम्मी देख लियो ऐसी नहीं, मतलब अंदर से कुछ अटैचमेंट नहीं, नहीं देख नहीं तो करना, बस किसी को भेज दो और किसी को, जो लोग भक्त नहीं बच्चों को भेज दो। गुरुजी हम ऐसे ही करते हैं, मम्मी करते तो गुस्सा करते, अंदर नहीं लगाओगे तो फिर वो देर से पड़ जाएंगे। नहीं समझे? सुनो, चुप रहो। तो क्या कह रहे हैं? चतुर्भुज नारायण के चार हाथ है परंतु वे त्वरीय वस्तु का संधान देने पर भी मानव के परम धर्म की समस्त विश्रम्भ सेवा की चमत्कारिता प्रकाश नहीं कर सकते। अब क्या कह रहे हैं? चतुर्भुज नारायण के कितने हाथ हैं? चार हाथ हैं, परंतु वे त्वरीय वस्तु का संधान देने पर भी मानव के परम धर्म की समस्त विश्रम्भ सेवा की चमत्कारिता प्रकाश नहीं कर सकते। मतलब चतुर्भुज नारायण की विशेष रूप से सेवा हम कर नहीं सकते। जैसे चतुर्भुज नारायण की सेवा कौन करते हैं? लक्ष्मी जी करती हैं, वो किसी को सेवा देती नहीं है। सेवा
देती नहीं, इसलिए सेवा नहीं कर सकते। अर्ध मानव और अर्ध सिंह जो नित्य वैकुंठ अवतीर्ण नरसिंह मूर्ति प्रकाश करते हैं, उनकी लीला के द्वारा वैकुंठ वस्तु का अचिंत्य शक्तित्व प्रकाशित होने पर भी उनके द्वारा भी मानव धर्म के पूर्णतम विकास की बात नहीं देखी जाती। अब देखो मानव के कितने हाथ हैं? दो हाथ है। और चतुर्भुज नारायण के कितने हैं? चार। तो समानता तो है ही नहीं है, तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अब नरसिंह भगवान के कितने चार? चार हाथ। ऊपर से नर भी है सिंह भी है, तो समानता तो है ही नहीं, तो इसलिए उनकी भी सेवा नहीं कर सकते। तत्पश्चात अब क्षुद्र वौ ने बामन रूप में, बामन देव ने आत्म प्रकाश करके तीन पग भूमि की भिक्षा मांगी, तब बलि ने अतिमर्त्य लीला पुरुषोत्तम को अनुग्रह पार्थी क्षुद्र बामन ये मानव ही समझा, परंतु बामन देव ने अपना त्रिविक्रम रूप प्रकाश करके उसका समस्त राज्य पाकर अपनी त्रिपाद भूमि का प्रकाश मात्र किया। कथा कथित सभ्यता के अभिमान में क्षत्रिय धर्म का अपव्यवहार करके सनातन ब्रह्मण्य धर्म विष्णु भक्ति को विनाश करने की चेष्टा उदित होने पर असभ्य मानव रूपी श्री परशुराम आदि भगवत आवेश अवतार प्रकाशित होते हैं। इसके द्वारा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा होने पर भी मानव के परम धर्म की आकांक्षा पूर्ण नहीं होती। इसमें भी मानव का वास्तविक में आकांक्षा पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान को प्रेम करने के लिए भगवतीय गुण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवतीय गुण भी होना चाहिए, तब भगवान को हम प्रेम कर सकते हैं। कृष्ण से अधिक प्रेम क्यों होता है? जितने भगवतीय, जितने भी भगवान के जितने भी अवतार हैं, उन सभी अवतार में कृष्ण ज्यादा आकर्षण, कृष्ण में ज्यादा प्रेम क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण बिल्कुल मानववत दिखाई देता है। क्या होता है? नहीं दिखाई देता है, मानववत दिखाई देता। पर और जितने भगवान हैं, कोई कछुआ है, कोई बामन है, ऐसे हैं, कोई मछली है, नहीं है, कोई नर है, कोई सिंह है, कोई फरसाधारी है, उन लोगों से प्रेम होगा नहीं, होगा स्वाभाविक नहीं होगा। देखने से नरसिंह भगवान को देखने से ही डर लगता है, नहीं लगता, तो स्वाभाविक प्रेम होगा नहीं, तो इसलिए कृष्ण से होगा, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। समझ में आया? रामचंद्र जी ने अवतीर्ण होकर मानव के नैतिक धर्म की आकांक्षा की तृप्त की, परंतु मानव के परम नैतिक धर्म का अर्थात स्वराट लीला पुरुषोत्तम का अथवा निरंकुश स्वेच्छाचारिता का जिस आदर्श में पूर्ण पूर्ण पूर्णम रूप में अभिव्यक्त होता है, वह उस समय प्रकाशित नहीं हुआ। रामचंद्र जी आए, मानव धर्म की नैतिक धर्म को दिखाया। नैतिक धर्म मतलब समझते हैं? नैतिक, हाँ,
जो विचार है माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, दान दक्षिणा करो, राज्य की सेवा करो, कैसे रहना चाहिए, ये सब तो नैतिक धर्म है। क्या है? नैतिक धर्म है। तो इससे भी वास्तविक आत्मकल्याण तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा। तो मानव चरित्र की समग्रता, जिन मानव रूपी विराट लीला पुरुषोत्तम के चरित्र में सम्यक रूप से प्रकाशित होती है, वे अप्राकृत परतत्व, अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत मूर्ति, मनुष्य लिंग पर ब्रह्म ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही मानव के धर्म, मानव के परम धर्म का विषय होकर नित्य विराजित है। मानव के क्या है? विषय वस्तु होकर के नित्य विराजित है। इसलिए परम मुक्त आत्मा की सर्वांगीण सेवावृत्ति का अभिसार दर्शन करके जो परम पुरुष आत्मा प्रकाश करते हैं, वे सर्व कारण कारण द्विभुज मुरलीधर श्री राधानाथ श्याम सुंदर है। वे ही जिस प्रकार परम विषय है, उनकी परमाशक्ति भी उसी प्रकार ही परम आश्रय है। जिस प्रकार कृष्ण परम विषय शक्ति, परम विषय है, उसी प्रकार उनकी शक्ति कौन? श्रीमती राधा रानी। उसी प्रकार उनकी शक्ति भी ऐसा ही है। इसलिए वास्तविक जो आराधना है किसकी किया जाएगा? राधा कृष्ण का। समझ में आया? जो त्रेता में श्री राम ने आकर के नैतिकता मतलब भक्तों को दर्शाता लीला की थी, तो मतलब भक्ति के लिए वो भी हमें थोड़ा सा नहीं, वो तुमको तंग के तंग बोले जाने बोले नहीं, वो तो होगा, स्वाभाविक होगा। क्या है? जो भक्त होगा वो किसी को कष्ट नहीं देगा, देगा नहीं देगा, स्वाभाविक किसी को कष्ट नहीं देंगे। पर हम भक्ति किसका करेंगे? केवल कृष्ण का करेंगे। राम नरसिंह को भगवान से अभिन्न मानेंगे, भगवान ही मानेंगे, पर आराधना उनकी नहीं करेंगे। आराधना तो केवल कृष्ण की करेंगे। इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में नरसिंह भगवान का भी उपासना नहीं करते, व्रत कर लेते हैं, राम जी का भी कर लेते हैं, सम्मान सबका करते हैं, पर आराधना नहीं करते। शिव जी का भी कर लेते हैं व्रत, शिवरात्रि, शिवरात्रि का भी व्रत कर लेते हैं, नहीं समझे, पर आराधना नहीं करते। नरसिंह भगवान का हम आराधना करते हैं? कहाँ करते हैं? नहीं करते। नरसिंह भगवान को तो उस समय पुकारते जब विपत्ति विपत्ति आ जाते हैं, विपत्ति में रक्षा करके फिर चले जाओ ऐसा, नहीं तो नहीं पुकारते, कृष्ण को ही पुकारते। पर विपत्ति में तो कृष्ण भी तो रक्षा करते हैं, नहीं करते हैं क्या? कृष्ण बल्कि ज्यादा करता है, नरसिंह भगवान से भी ज्यादा करता है, पर जल्दी नहीं सुनते कृष्ण, बहुत जल्दी ना नरसिंह भगवान करता है, नहीं समझे, भक्तों की विघ्नों का हरण नरसिंह भगवान। और क्या, हम तो ऐसे ही करते हैं। राधा रानी भी करती हैं, क्यों नहीं करती, सब करते हैं, नहीं समझे। तो इससे पुकार लो, कभी कभी जब जबरदस्ती नहीं सुनते तो पुकार लो, नहीं समझे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर निष्ठा होने से तब फिर तो कृष्ण को ही पुकारे, और किसको क्यों पुकारे, ऐसा समझ में आया। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। कृष्ण राधिक राधारानी कौन है? परदेवता राधिका देवी
साक्षात कृष्णमयी है। राधा रानी कौन है? कृष्णमयी, मतलब साक्षात कृष्ण ही राधा बनी, ऐसा समझ में आया, इसलिए कृष्णमयी। कृष्णमयी सर्व लक्ष्मीमयी, सभी लक्ष्मियां उनके अंदर है, इसलिए राधा रानी को लक्ष्मी कहने से भी दोष नहीं है, समझ में आया, क्योंकि राधा रानी लक्ष्मियों का भी लक्ष्मी है, परम लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मी। और सर्व कांति कृष्ण सम्मोहिनी, कृष्ण को भी मोहिनी कर, मोहिनी मोह मोहन अरे मोहित कर लेती है, कृष्ण सम्मोहिनी। वे परम विषय और परम आश्रय लीला स्वादन के लिए एक होकर भी दो रूप में प्रकाशित है, और फिर दोनों मिलित होकर चैतन्य रूप प्रकाशित करते हैं, इसलिए चैतन्य से और कोई परदेवता नहीं है, है? समझ में? सबसे पहले कहां कहां से दिया देखा? हाँ, सबसे पहले किसको दिया? परमात्मा का उदाहरण दिया है ना, फिर चतुर्भुज नारायण का दिया, फिर नरसिंह बामन सबका दिया, फिर उसके बाद किसका दिया? रामचंद्र जी का, फिर रामचंद्र जी का भी दे करके कहा इनमें भी नहीं होगा, तो फिर कहाँ लेके गए? कृष्ण, और फिर कृष्ण और राधा रानी, फिर राधा रानी कृष्ण को कह के, फिर कृष्ण राधा रानी एक है महाप्रभु, समझ में आया? तो इसलिए महाप्रभु के अतिरिक्त और कोई परदेवता नहीं, इसलिए जितने भी भगवान के अवतार है ना, चाहे वो राम का हो, चाहे नरसिंह का हो, चाहे बामन का हो, वो सब के सब भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। किसका करते हैं? चाहे वैकुंठ के नारायण हो, चाहे द्वारिका का कृष्ण हो, समझ में आया, और चाहे राम नरसिंह बामन जितने भी भगवान के अवतार हैं, वो अपने लोग में कृष्ण की सेवा करते हैं। हाँ, वो कृष्ण की सेवा के लिए ही लीला विस्तार किया ना, कृष्ण को आनंद लगे इसलिए कर रहे हैं, कृष्ण को आनंद लगे। जैसे संपूर्ण शरीर किसके लिए काम करता है, हाथ पैर मुख के लिए, पेट के लिए काम करता है, नहीं करता, खाने के लिए नहीं करता, किसके लिए करता है? खाने के लिए। ये संपूर्ण शरीर किसके लिए कर रहा है? खाने के लिए नहीं कर रहा है। एक बार झगड़ा हो गया बहुत तगड़ा, कैसे हाथ कह रहा है मुंह खाली खाता है, हम कितना मेहनत करते हैं, पैर कह रहे हैं हम चल चल के इतना दूर दूर जाते हैं, मुंह खाली खाता रहता है, आंख कहते देखो हम देख देख के थक जा रहे हैं, मुंह खाली खा रहा है, तो सब लोग झगड़ा कर रहा था, कान, सुन सुन के थक, कान कह रहे हम सुन सुन के लोगों का सुन सुन के परेशान हो गए, मुंह खाली खाता है इसको कोई कुछ नहीं ऐसा मुंह को कौन बोलता है, सब जो सुनता नहीं उसको बोलेगा, जो देखता नहीं उसको बोलेगा, जो करेगा नहीं उसको हाथ को बोल, समझ में आया? मुंह को कौन बोलेगा, कोई बोलता है? मुंह को कोई नहीं बोलता। तो अब क्या हुआ, सब लोग मुंह को ऐसा कहा, मुंह एक दिन गुस्से में आ गए, बोलते चलो आज हम खाएंगे, मुंह बंद कर लेंगे, खाएंगे नहीं ऐसा, और खाया ही नहीं, तो फिर हाथ एकदम चलना बंद हो गया, पैर एकदम चलना बंद हो गया, आंख देख नहीं पा रहा, आंख उठा के ऐसे देख नहीं पा रहा, कान सुनाई दे नहीं रहा, तब सब लोग कह रहे अरे कोई बात नहीं तुम खा लो, अरे तुम खाओ, अरे तुम खा लो, समझ में आया? क्या समझा? तो ऐसे ही यद्यपि भगवान के जितने अवतार है, भगवान का स्वांश है, पर मूल कृष्ण है, तो इसलिए जितने भी भगवती अवतार है वो सब भगवान कृष्ण के लिए ही सेवा करते हैं, काम करते हैं, समझ में आया? जैसे हाथ पैर हमसे अलग नहीं है, पर करते किसके लिए? मुंह के लिए, समझ में? तो मुंह को आता है, मुंह भी नहीं आता, नहीं समझे, सब उसी के लिए करता है, तो उसी प्रकार कृष्ण करता है, कृष्ण के लिए सब भगवत अवतार करता है सेवा, तो इसलिए कृष्ण का करने से सब भगवती अवतार का भी सेवा हो जाता है, इसलिए मूल रूप से कृष्ण की ही करना चाहिए।